दोस्तों मुनव्वर फारूकी को मिले डेथ थ्रेट्स पर फाइनली समर्थ जुरेल जो है उन्होंने अपनी बातें सामने रखी हैं, और समर्थ जुरेल ने ऑलरेडी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि कैसे बहुत सारी चीज़ों पर मुनव्वर फारूकी अटक सकते हैं, फंस सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। आपको बता दूँ कि समर्थ जुरेल जो है वो मुनव्वर की ही टीम से खेल रहे हैं और मुनव्वर को मुंबई भेज दिया गया, जिसकी रीज़न बहुत ज़्यादा क्लियर थे कि भाई मुनव्वर को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। और ये डेथ थ्रेट्स कोई मजाक वाले नहीं है, ये डेथ थ्रेट्स वो वाले नहीं है कि भाई कोई फन कर रहा है या फिर कोई मस्ती कर रहा है, कोई फिरकी चला रहा है। वो जेन्युइन डेथ थ्रेट्स थे कि भाई थ्रेट है असली में। और तुरंत मुनव्वर को मुंबई शिफ्ट किया गया, मुंबई भेजा गया, दोबारा से शिफ्ट किया गया, जिसके बाद समर जुरेल जो है वो अब मीडिया के सामने आए। और जब उनसे पूछा गया कि मुनव्वर कहाँ है, समर क्लियरली कहते हैं कि मुनव्वर मुंबई में है और मुनव्वर हो सकता है ये मैच तो वो नहीं खेला लेकिन अगला मैच खेलेगा। तो मुनव्वर ने तो एक चीज़ तो चलो कंफर्म हो गई कि मुनव्वर ECL से तो बाहर नहीं हुआ है ना। और उसी के साथ साथ जब समर से पूछा गया कि थ्रेट्स मिल रहा है उस पर क्या कहना है, तो क्लियरली वो कहते हैं थ्रेट तो मिला है और मुनव्वर की टीम से बात हुई है और शायद हो सकता है कि मुनव्वर अगला मैच खेलने को आएगा। अब भाई ये थोड़ा सा मुनव्वर के फैंस के लिए एक अच्छी खुशखबरी तो है कि चलिए मुनव्वर वापसी कर रहे हैं, ECL में दोबारा आएंगे। ऑल्दो उनकी टीम क्वालिफाई कर चुकी है, हरियाणा और उसके साथ साथ मुंबई भी क्वालिफाई कर चुकी है, मतलब ये कुछ टीमें हैं जो क्वालिफाई कर चुकी है। और ऐसे में अगर भाई क्वालिफायर मैच में मुनव्वर ना खेले तो मज़ा क्या आएगा, क्योंकि एल्विश मुनव्वर ये ऐसे लोग हैं जिनको देखने के लिए जनता खुद आ रही है इस समय, ECL नहीं। और ये आप ये कह सकते हो एल्विश मुनव्वर लीग हो गया है इस समय फिलहाल। इस पर आप लोगों की क्या राय है और समर जुरेल ने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।